नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं जो चीज बना के आपको दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल यूनिक होने वाली है और शायद ही आपने आज से पहले कहीं पे देखी होगी। आप अगर मार्केट में परचेस करने जाते हैं एक साउंड बार या एक ढंग का होम थिएटर सिस्टम, उसके अंदर 8 इंच का सबवूफर तो भूल ही जाओ, और अगर किसी में मिल गया तो उसकी कॉस्ट जाती है लगभग 10 से 12 हजार रुपए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल 3 हजार रुपए के अंदर एक बहुत ही बढ़िया साउंड बार बना के दिखाने वाला हूँ। और इस साउंड बार के अंदर हमने यूज किया है भाई साहब 8 इंच का सबवूफर, जो कि एकदम मस्त साउंड क्वालिटी देता है। तो बिना किसी देर के साउंड बार को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन इसकी पूरी मेकिंग जो है देखेंगे। तो जो साउंड बार अपन आज तैयार करने वाले हैं वो बेसिकली 100 वोल्ट के आसपास का साउंड आउटपुट आपको देने वाली है। हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप से आपको अपनी साउंड बार को तैयार करना है। सबसे पहले अपन चलेंगे भाई साहब सिलेक्शन के ऊपर कि आपको ऑडियो क्वालिटी किस टाइप का चाहिए। जिस टाइप का आपको ऑडियो क्वालिटी चाहिए अपन उसी टाइप से सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल लेकर चलता हूँ और मुझे जैसा जैसा आइटम चाहिए था मैंने वैसा वैसा सेलेक्ट किया। सबसे पहले हमें चाहिए था भाई साहब एक बेस बूस्टेड साउंड जो कि बहुत ही अच्छा डीप बेस देवे, और उसके साथ में एकदम क्लियर मिड चाहिए थे, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर ऑडियो चाहिए थी। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से सारा कुछ डिजाइनिंग किया है। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमने जो बार डिजाइन की है उसके अंदर हमने एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखा है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपनी बार के अंदर सारा एम्पलीफायर का कनेक्शन कर दो या फिर अपने सबवूफर बॉक्स के अंदर सारा कनेक्शन कर दो और उन दोनों को आपस में किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो। यहाँ पे एक चीज और है कि नॉर्मली अगर अपन ऐसा कोई बार तैयार करते हैं तो उसके अंदर वायर का झंझट बहुत ज्यादा बेकार दिखता है। तो उससे बचने के लिए हमने भाई साहब इस वीडियो के अंदर इतना शानदार तरीका यूज किया जिससे एकदम नीट एंड क्लीन कनेक्शन भी हो गए और आपको देखने के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़िया वो लगने वाला है। सबसे पहले बात करें हमने जो सेलेक्ट किया साउंड सिस्टम का तरीका, वो ये था कि भाई साहब जो साउंड बार होगी उसी के अंदर सारे एम्पलीफायर के कनेक्शन हो जाएंगे, कंट्रोल्स उसी के ऊपर आ जाएंगे एंड स्पीकर भी उसी के ऊपर लग जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा सबवूफर बॉक्स रहेगा जो कि वायर के थ्रू पावर से चलेगा। और हमने ऐसा ही किया, सबसे पहले हमने तैयार की बार। तो बार को तैयार करने के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। सबसे पहले बात करें कि साउंड बार का साइज कितना रखना है, किस टाइप से हम अपने उसके ड्राइवर सेलेक्ट करें, 4 इंच 5 इंच या फिर 3 इंच, हम कौन से साउंड ड्राइवर यूज करें, वूफर स्पीकर यूज करें या फिर सिंपल स्पीकर यूज करें, बहुत ज्यादा चीजें थी। तो हमने एक एक चीजों को सिंपलीफाई किया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने को चाहिए मटेरियल, तो अपन सबसे पहले अपना मटेरियल सेलेक्ट करने चलते हैं। तो साउंड बार को बनाने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे भाई साहब MDF का, और हमने यहाँ पे 8mm की मोटाई का MDF यूज किया है जो कि मेरे हिसाब से काफी है। लेकिन अगर आप सबवूफर बॉक्स भी बना रहे हैं साथ ही MDF के अंदर, तो उसके लिए आपको मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। हमने केवल जस्ट बार के लिए ये 8mm की मोटाई सेलेक्ट की है। मेरा ये विचार था कि यार एक बार मैं बार को पहले देख लूं कि बिना कटिंग किए पहले एक बार पता चल जाए कि यार बार बनने के बाद कैसे दिखने वाली है, कि भाई साहब अपना बार दिखने में कैसा लग रहा है। तो MDF का पीस तो हम लेके आ चुके थे, लेकिन अभी इसको काटना हमारे बस की बात तो थी नहीं, तो हमने सोचा कि इसको बाजार से ही कटवा लिया जाए। तो हमने क्या किया, हमारे आसपास ढूंढा एक सुथार को जो कि पूरा लकड़ी का काम कर सकता हो, हमने ऐसे ही आदमी को पकड़ा और उसको हमने दिए 100 रुपए, और 100 रुपए के अंदर वो मान भी गया। तो हमें जिस जिस टाइप का जरूरत था उस टाइप का हमने सारा पीस साउंड बार के लिए कटिंग करवाया और हमें एकदम परफेक्ट पीस मिल चुके थे केवल 100 रुपए का खर्चा करके। और अगर हम पूरा दिन भी लगे रहते तो उस टाइप की फिनिशिंग के साथ हम उसको नहीं कट कर पाते। और हमने एक चीज और करवाई जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही, जो हमारी शीट थी उस शीट के चारों तरफ से हमने 1-1 इंच की पट्टियां एक्स्ट्रा कट करवा ली, जिसको हमने अंदर भी यूज कर लिया और हमें एक फ्रेश पीस भी मिल गया था पूरा काम करने के लिए। और फिर सारे उन बचे हुए पीसेस को लेके हम आ गए थे घर पे, और अब बारी थी एक ढंग का बॉक्स बनाने की जो कि पूरा अपना साउंड बार के जैसे काम करने वाला है। तो हमने बिना किसी मेजरमेंट के जिस टाइप से हमने सोचा था उसी टाइप से सारे जो पीस कट करवाए थे उनको एक एक करके जोड़ना स्टार्ट कर दिया। और यूज किया हमने यहाँ पे वेट्रा का, एक भी स्क्रू को हमने आपस में जॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यूज में नहीं लिया, और नॉर्मली कील वगैरह को भी हमने बिल्कुल यूज नहीं किया। तो साउंड बार को असेंबल करते टाइम हमने एक चीज का और ध्यान रखा था कि भाई साहब जो साउंड बार है उसका फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों रिमूवेबल हो, एंड एक पार्ट को हम पूरा परमानेंटली फिक्स कर देंगे क्योंकि स्पीकर वाला सेक्शन रहेगा, एंड बैक वाला जो साइड था उसको हम स्क्रूज से कसेंगे ताकि उसको फ्यूचर में खोला जा सके, और जब हमें कुछ जरूरत हो तब उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हैं या कुछ रिपेयर करना हो तो उसको भी हम पॉसिबल कर पाए। और हमने ऐसा ही किया, जैसा हमें जरूरत था उसी टाइप से हमने पूरा साउंड बार को बनाया, और जो 1-1 इंच की हमने पट्टियां कट की थी वो सारी हमने साउंड बार के अंदर एंड एज ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यूज की, और उससे हमारी जो साउंड बार थी उसकी मजबूती भी काफी ज्यादा बढ़ गई और वो 1-1 इंच की पट्टी के ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट भी बहुत इजीली आने वाला था। अभी तक तो सारा काम एकदम सही चल रहा था, पूरा साउंड बार भी हमारा लगभग तैयार होने की स्टेज पे आ चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई उसको फिक्स करने के टाइम पे। जब हमने साउंड बार को पूरा तैयार कर लिया एंड फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जब हम उसके अंदर फंसाने लगे, तो अगर फ्रंट पार्ट लग जाता था तो बैक नहीं लग रहा था, और बैक लगा देते तो फ्रंट पार्ट लूज पड़ रहा था। तो हमें पता चला कि भाई साहब जो एक पीस है हमारा वो थोड़ा सा ज्यादा कट चुका है, तो उसको वापस सही करना पड़ेगा, और वो हमारे बस की बात नहीं थी। तो हम दोबारा गए शॉप पे एंड उस पार्ट को पर्टिकुलर हमने सही करवाया, एंड उसके बाद में जब हमने साउंड बार के ऊपर फिट किया तो उसकी लुकिंग जो है भाई साहब बहुत ज्यादा शानदार आ रही थी। हालांकि उसके अंदर ना तो स्पीकर का इंस्टॉलेशन हुआ और ना कुछ भी हुआ, लेकिन जो हमने बॉक्स तैयार किया था सच में प्रॉपर बॉक्स एकदम
एकदम अच्छा दिखने लग गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार साउंड बार तो तैयार हो चुका है, लगभग तैयार हो गया है, लेकिन अब सबवूफर बॉक्स के लिए क्या किया जाएगा? ना अभी तक मैंने आपको सबवूफर दिखाया ना ये बताया कि भाई बॉक्स जो है सबवूफर का वो किस टाइप से रहने वाला है। तो आप याद कीजिए, मैंने लगभग एक साल पहले एक बेस्ट ट्यूब बनाई थी जो की पैसिव बेस्ट ट्यूब थी और एक 6 इंच की बेस्ट ट्यूब थी। तो हमने उसी कंसेप्ट को रिपीट किया क्योंकि ये जो साउंड बार बनने वाली इसके अंदर भी हमको एक डीप बेस का ज्यादा जरूरत है और प्रॉपर ट्यून इंक्लोजर बनाना भाई साहब बहुत ज्यादा काम रखता है। लेकिन इस बार जो बेस्ट ट्यूब होने वाली है वो भाई साहब 6 इंच की ना होके पूरी 8 इंच की होने वाली है। तो उसी के लिए हमको चाहिए था भाई साहब एक ऐसा बड़ा गोल पीस जो कि 6 इंच को छोड़ के 8 इंच तक के सबवूफर को भी इजीली हैंडल कर ले और मजबूती भी काफी ज्यादा चाहिए थी क्योंकि भाई साहब हल्का फुल्का आइटम तो यहाँ पे चलने नहीं वाला। तो हम फिर से निकल गए भाई साहब कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर जहाँ पे हमको ढूंढना था एक ऐसा पाइप जो की 10 इंच की गोलाई का हो कम से कम और 1 फीट या 1.5 फीट लंबा भी हो। तो हमने ऐसा ही किया, हम चले गए भाई साहब कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर जहाँ पे थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद में अंकल ने हमको आगे से अप्रोच कर लिया और हमको पूछ रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे क्या लेना है, तुमको क्या चाहिए। तो हमने बताया कि हमको भाई ऐसा ऐसा एक पीस चाहिए और अंकल भी बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बिना किसी कॉस्ट के हमको वो पीस ढूंढ के दे दिया और बोला कि इसमें से तुमको जितना चाहिए उतना तुम यहाँ से कट कर सकते हो। तो हमने भी भाई साहब जितना जरूरत था 1.5 फीट के आसपास हमने पूरा लंबाई रखा और 10 इंच की गोलाई वाला पीस हम पूरा कट करके ले आए और उसको क्लीन करने के बाद में हमारा सबवूफर का बॉक्स का आउटर इनक्लोजर भी तैयार था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, जो हम सबवूफर यूज करने वाले हैं वो उतने पतले MDF के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाएगा जो कि हम अपनी साउंड बार के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो फ्रंट पार्ट रहता है सबवूफर का उसी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, तो उसके लिए हमने 2 सेम रिंग कट करवाए और 8 mm के ही मोटाई के थे। तो हमने वैसे 2 पीस यूज किए फ्रंट के अंदर ताकि जो सबवूफर के लिए लेयर बने वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए और उसके ऊपर अपना जो सबवूफर है वो आसानी से टिक पाए। तो उसका कटिंग भी हमने कराया बाजार से, जो हम साउंड बार के लिए लेके आए थे MDF का पीस उसी के अंदर से हमको काफी ज्यादा जगह मिल गई थी, उसी के अंदर से हमको काफी ज्यादा पीसेस मिल गए थे जिनको हमने यूज किया हमारे सबवूफर बॉक्स के फ्रंट एंड बैक एंड के लिए। और एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप भी कभी बनाए तो आपको भी एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई साहब जितना हो सके उतना काम बाजार से करवा लीजिए, कम से कम कॉस्ट के अंदर वो आपको परफेक्ट काम करके दे देंगे। लेकिन अगर आप वही चीज खुद करने बैठोगे तो आपको नुकसान भी होगा, पैसों का भी, टाइम का भी, और शायद आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बिगड़ जाए। जैसे कि अभी जो गोलाई का कटिंग था वो हमसे करना तो भाई साहब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, हमारे पास ना उस टाइप के प्रोफेशनल टूल्स थे और टूल्स हो भी सही तो हमारे पास उस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हमने 150 रुपए दे के बाजार में इजिली कट करवा लिया और हमारा काम वहाँ पे हो चुका था। एंड आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने सारी चीज आपको दिखा दी, मैंने आपको बॉक्स का तरीका भी दिखा दिया कि भाई बॉक्स हम कैसा क्या यूज कर रहे हैं, सबवूफर हम यूज कर रहे हैं 8 इंचेस का तो उसके अकॉर्डिंग हमने बॉक्स का भी प्लानिंग कर लिया, साउंड बार का भी प्लानिंग यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी कंपोनेंट मैंने आपको नहीं बताया कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपन कौन सा काम में ले रहे हैं। तो बात रही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, तो हमने यहाँ पे सोचा था कि यार सबसे पहले एक नॉर्मल होम थिएटर बोर्ड हम यूज कर लेंगे तो हमें बेटर आउटपुट मिल जाएगा। तो बाजार में जाकर जब हमने पता किया तो होम थिएटर के लिए मिल रहा था भाई साहब 20-30 बोर्ड और वो काफी ज्यादा कमजोर और कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पावर बोर्ड था जिससे हम ये हमारा जो डीप बेस वाला क्वालिटी था वो कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। फिर हमको भाई साहब एक ऐसा न्यू बोर्ड का रिकमेंडेशन मिला हमारे ही मिलने वालों से और उन्होंने हमको बताया कि आप इस वाले बोर्ड को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको 20-30 ISC का सैटेलाइट चैनल मिल जाएगा और आपको चाहिए बढ़िया पावर वाला सबवूफर चैनल आउटपुट वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि है 72-65 ISC का। तो हमने सोचा कि यार ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता था, एक ही बोर्ड के अंदर सैटेलाइट के लिए 20-30 ISC भी मिल रही है प्लस हमको 72-65 का आउटपुट भी मिल रहा है जो कि हमारे सबवूफर चैनल पे जाएगा। तो बिना किसी देरी के हमने उस वाले बोर्ड को कंफर्म कर लिया और मंगा लिया हमारे पास और दिखने के अंदर भी बोर्ड काफी ज्यादा शानदार था। और उसी के अलावा बात करें यहाँ पे पावर की तो भाई साहब इस बोर्ड को लगने वाली थी बहुत ज्यादा पावर, उसके लिए हमने यूज किया यहाँ पे एक ठीक ठाक अच्छी पावर वाला ट्रांसफार्मर जो कि था 5 एम्पियर का एंड 12-0-12 का और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का काम सारा हमारा रवि भाई देखते हैं, जितना भी कनेक्शन वगैरह होता है वो सब हमारा फ्रेंड है वो देखते हैं। तो हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया और उन्होंने बोला कि हाँ बढ़िया है तो हमने मान लिया बढ़िया है एंड हमने जस्ट उन सब प्रोडक्ट को एक राइट टिक दे दिया कि हाँ इस बार के अंदर यही सारा आइटम यहाँ पे लगने वाला है। तो हमको उतना ज्यादा बेस नहीं चाहिए था जो कि एकदम ऐसा गूंज उठा दे, बिल्कुल एक्स्ट्रा जो ओवर पावर बेस होता है हमको वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो हमने उसके हिसाब से ड्राइवर को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया भाई साहब एक सिंपल सा वूफर स्पीकर जो कि आपको बेस भी दे देगा और वैसे भी हम उसको चलाने वाले थे लो पास फिल्टर के ऊपर तो हमको एक काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का साउंड आउटपुट मिलने वाला था। सिंगल कॉइल के अंदर हमने वूफर यूज किया और एक सिंगल मैग्नेट के अंदर जो अपना नॉर्मल वूफर आता है 8 इंचेस का हमने वो यूज किया था। आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबवूफर जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोडेड पावर के साथ आए तो आप यहाँ पे ऐसा वूफर ना सेलेक्ट करके एक हैवी डबल मैग्नेट वाला या फिर ड्यूअल कॉइल वाला, एटलीस्ट डबल मैग्नेट वाला, कम से कम 200 या 150 वाट के आसपास का एक सबवूफर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेटर आउटपुट मिलने का 100% चांसेस रहेगा। और वूफर की उस साउंड को भरने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया नॉर्मल 4 इंच वाले वूफर स्पीकर जो कि एक ओवरऑल साउंड को पूरा कवर
करने के अंदर हेल्प करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिंपल स्पीकर यूज करते हैं तो हमें जो साउंड ऑडियो है उसके अंदर जस्ट एक बेस की जो मात्रा है वो ही ज्यादा मिलती है, और जो आवाज के अंदर डेप्थ है वो बहुत ज्यादा कम मिलती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है वोपर स्पीकर, जो कि बहुत ही बेटर साउंड ऑडियो यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सिलेक्शन हो चुका है, तो अभी साउंड बार की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे कुछ इस टाइप का ब्लूटूथ मॉड्यूल। ऑनलाइन ये काफी ज्यादा महंगा है, हमको ऑफलाइन थोड़ा सा सस्ता रेट में मिल गया था, हमने इसको यूज किया और ये दिखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। हाँ, लेकिन जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो 50 रुपए वाले कार्ड जैसी ही आती है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप जस्ट साउंड को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरे ब्लूटूथ बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हमको चाहिए था लुकिंग के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो हमने ये यूज किया, और उसी के साथ में बेस को एडजस्ट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम नॉब यहाँ पे ऐड किया। उसके अलावा सारे कंट्रोल तो ब्लूटूथ पैनल के ऊपर है ही सही। और अब बारी थी सारे आइटम्स को एक साथ कनेक्ट करने की, तो सबसे पहले मैं जो मेजर चीजें वो आपको बता देता हूँ। जो हमने स्पीकर कनेक्ट किए उनको हमने नॉर्मली अपने नट बोल्ट की हेल्प से कनेक्ट कर दिए थे, एंड वहां पे जहां कहीं पे भी एयर का लीकेज था उसको हमने पूरा प्रॉपर येलो जो ग्लू स्टिक आती है उसके हेल्प से फिल कर दिया। और उसके बाद भी हमने जो साउंड बार का डिजाइन है उसको कुछ इस टाइप का रखा था कि भाई साहब एक पीस के ऊपर अगर दूसरा पीस अपन रख देते हैं तो जो एयर का फ्लो है वो वैसे ही वहां पे कट जाए, ऐसा ना हो कि भाई साहब जॉइंट में से हवा आर पार जा रही है। फिर भी हमने उस चीज का ध्यान रखा, एंड जहां कहीं पे भी एयर का पूरा लीकेज था वहां सब जगह हमने अलग से फेविकोल फिलअप किया, एंड साउंड बार अपना पूरा एकदम रेडी टू यूज यहाँ पे हो चुका था। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का वर्क था वो सारा अपने मित्र रवि भाई ने कम्प्लीट कर दिया, और उसी के साथ में अपना जो साउंड बार था वो फिलहाल के लिए रेडी टू यूज था। तो फिलहाल आप एक बार मेरे मुंह से सुन लीजिए कि भाई साहब उस टाइम का लाइव एक्सपीरियंस क्या था। तो गाइस देख सकते हैं साउंड बार का लगभग सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में काम करने की कोशिश किया हम लोग ने। यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये जो प्लाई है इस पे भी स्क्रू के लिए बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। थोड़ा मैं आपको कुछ इसका मेजर पॉइंट बता देता हूँ, जिसके ऑल बेसिस पे साउंड बार वर्क करेगी। 4-4 इंच के 2 स्पीकर अपन ने काम में लिए हैं, जो कि वूफर स्पीकर है, और इनके अंदर ट्विटर की जरूरत नहीं लग रही है। अगर लगेगी तो फ्यूचर के अंदर इसको अपग्रेडेबल हमने बनाया है, फ्यूचर में हम ट्विटर भी अपग्रेड कर सकते हैं इजीली। जो अपना एम्पलीफायर बोर्ड है काफी ज्यादा केपेबल है, 50 वोल्ट का हमने एक सबवूफर यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट आ रहा है सबवूफर से वो भी 50 वोल्ट ही है। एंड सैटेलाइट के लिए हमने यूज किया है 20-30 IC का, जो कि 2-4 इंच के स्पीकर चलाने के लिए परफेक्ट है। और उसी के साथ में हमने जो ट्रांसफार्मर यूज किया है वो है 12-0-12 का ट्रांसफार्मर 5 एम्पीयर के साथ में, जो कि इस एम्पलीफायर को प्रॉपर पावर देने के लिए सफिशिएंट है। और मेरे हिसाब से साउंड बार के अंदर इतना ही था। तो जैसा कि अब अपना साउंड बार और सबवूफर बॉक्स दोनों लगभग रेडी थे, तो अब बारी थी साउंड बार को सबवूफर बॉक्स के साथ कनेक्ट करने की। और उसके लिए हमको कुछ ऐसा कनेक्शन चाहिए था जो कि रिमूवेबल भी हो, दोबारा हटाया जा सके, दोबारा लगाया जा सके। तो उस टाइप के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल कनेक्शन यूज नहीं किया, जो कि मतलब कि एक साइड से वायर लगाओ दोबारा हटाओ उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया सबसे सिंपल एक एल्यूमिनियम के कनेक्टर आते हैं, जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, और उनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज्यादा बेटर होती है। थोड़े टाइम के बाद जाके वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम नहीं करते हैं और एकदम मस्त तरीके से काम करते हैं। तो जैसा भी वायर चाहे आप उसके लिए अच्छा खासा वायर अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया यहाँ पे अच्छा खासा कॉपर का वायर, और दोनों साइड में हमने एल्यूमिनियम के कनेक्टर लगाए हैं, और उससे काफी ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी भी पॉसिबल हो पा रही है। और उसके साथ में वायर की लेंथ भी हमने काफी ज्यादा अच्छी रखी है, तो जो अपना सबवूफर बॉक्स है उसका डिस्टेंस भी अपन चाहे जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपना जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट भी हो चुका है, एंड अपना सबवूफर बॉक्स भी अब फाइनली पूरा कंप्लीट है। तो एक बार सबवूफर बॉक्स की भी आप लाइव डिटेल मेरे मुंह से सुन लीजिए कि उस टाइम पे मैंने आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की थी। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे बेस टू बनाई है नहीं, और ये सेम पुराने पैटर्न में बनाई है, जैसे कि पहले एक बनाई थी 6 इंच की, इस बार 8 इंच की बनाई है, और के ऊपर जो ये इसका गोलाई है ये 10 इंच वाला है, और इसके अंदर हमने एक 8 इंच का नॉर्मल सबवूफर आता है सिंगल कॉइल सिंगल मैग्नेट वाला उसको यूज किया है, और आवाज काफी बढ़िया है। इसको ट्यून किया है हमने 65 हर्ट्ज के आसपास, 65-60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। और फ्रंट की तरफ से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लुकिंग है, थोड़ी अंदर गैप छोड़ी है हमने 1-1.5 इंच के आसपास, तो इसके अंदर एलईडी लाइट भी लगाएंगे और एक मेटल ग्रिल भी लगाएंगे ताकि इसका प्रॉपर लुकिंग आने लग जाए। पीछे की साइड से देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मैंने डिजाइन दिया है, यहाँ पे एक सबवूफर आउट दे दिया है ताकि इसको वायर से प्रॉपर कनेक्ट किया जा सके और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आए इसको बार बार डिसकनेक्ट और कनेक्ट करने के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं एक पोर्ट लगाया हमने, और इस पोर्ट का यहाँ पे गोलाई में आपको बता दूं तो 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा रखा है मैंने, प्रॉपर 2 इंच भी नहीं कह सकते हो। और इसकी जो गहराई है वो मैंने लगभग 5.5-6 इंच के आसपास रखी है। तो फिलहाल ये बेस्ट टूब पैक हो चुकी है, तो मैं आपको इसको खोल के तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर एस्टिमेट है, अगर आप चाहो तो इससे भी इस बेस्ट टूब को डिजाइन कर सकते हो। वैसे आप देख सकते हैं केबल ले ली हाथ में, और मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। एक तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कोई भी आप लगा सकते हो, इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपन यहाँ पे लगा देते हैं सब ऊपर पे, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से लग गया है। एंड ये दूसरा वाला है यहाँ पे लगेगा ये पीछे की ओर, तो मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ। तो ये नीचे से लेके मैं यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से लगा देता हूँ, ये सब ऊपर आउट के लिए मैंने कनेक्शन दिया है। और ये जो पीसी वाला मैं बता रहा था आपको कनेक्टर, ये कुछ इस टाइप का है, जो कि देख सकते हैं इसमें ग्राउंड का भी पूरा पूरा ऑप्शन है अपने पास। इसको मैं यहाँ पे कुछ ये इस टाइप से ऐसे लगा देता हूँ, एकदम कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और अब मैं यहाँ से मेन स्विच से पावर दूंगा तो ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये पूरा चालू हो चुका है। अब मैं आपको इसका मेन साउंड टेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको बोर्ड देखने को मिल रहा है, इस पर डिजिटल डिस्प्ले है छोटा सा, तो यहाँ पे आपको सारे इसके ऑप्शन देखने
देखने को मिलेंगे जो भी इस पे ऑपरेशन होंगे। और इसका वॉल्यूम नॉब है जो कि बेस को कंट्रोल करेगा। माइक भी इस पे आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं कभी पार्टी वार्टी करने का मन हो गया तो। बाकी सारे कनेक्टिविटी फीचर इसी के ऊपर है तो रिमोट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप इसका फ्रीक्वेंसी टेस्ट सुनिए, फिर आपको एक दो मैं साउंड का एग्जांपल दे दूंगा। अब बात आती है भाई साहब इसको थोड़ा सजाने की, सवारने की। तो सबसे पहले बात करें प्रोफेशनल कलर की, तो उसके लिए इसके ऊपर प्रोफेशनल कलर भाई साहब अपने बस का तो रोग है नहीं है। तो हमने किया भाई साहब सिंपल जो वुडन पेंट आता है उससे पहले जो प्राइमर आता है, प्राइमर एंड देन कलर, और लगभग साउंड बार अपना प्रॉपर अच्छा दिखने लग गया था। ब्लैक कलर हमने इसके ऊपर कंप्लीटली कर दिया। अब बात आती है भाई साहब थोड़ा सा स्पीकर को प्रोटेक्ट करने की, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज की है एक मेटल की ग्रिल जो कि बहुत ज्यादा हैवी है और वो अपने स्पीकर को बिल्कुल अच्छे से बचा के रखने वाली है। साउंड बार को थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किए हैं गोल्डन हैंडल जो कि साउंड बार के ऊपर काफी ज्यादा प्रीमियम दिख रहे हैं। और साउंड बार को नीचे से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक की कैप्स यूज किए हैं जो कि एक साउंड बार को बेटर ग्रिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ में वो दिखने के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ग्रिल के साथ में अपना जो साउंड बार है पूरा कंप्लीटली परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे जो हमारा एक डिमांड था जो साउंड बार जिसके बाद जाने वाली है उसने बोला कि यार मुझे इसके अंदर लाइटिंग भी चाहिए, तो हमने एंड टाइम के ऊपर उसके ऊपर नियॉन लाइट को लगाने का सोचा एंड फाइनली हमने किया भी ऐसा ही। जो साउंड बार का फ्रंट था उसके अंदर हमने पूरे के अंदर नियॉन लाइट को फिक्स किया अर्जेंट में। उसके अंदर ही साउंड बार को ओपन करके हमने डायरेक्टली एक एक्सटर्नल 12 वोल्ट का एडेप्टर ही उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई पर्टिकुलर नियॉन लाइट के लिए एकदम सेपरेट होने वाली है। उसके अंदर यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं है अपने ट्रांसफॉर्मर से जो कि मेन ऑडियो को इम्पैक्ट करे, ऐसा हमने कोई भी काम नहीं किया। हमने नियॉन लाइट को प्रॉपर अलग तरीके से पावर दिया। एक चीज हमने और की क्योंकि हमारा सबवूफर 8 ओम पे वर्क करता है तो ये चीज हम इजीली कर पाए। यहाँ पे जो हमारा सबवूफर बॉक्स था उसके अंदर भी हमने नियॉन लाइट इंस्टॉल कर दी एंड क्योंकि हमारा सबवूफर 8 ओम्स वर्क करता है तो इसको हम 4 ओम तक का लोड इजीली दे पाएंगे, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके साथ में जो हमारी साउंड बार थी उसके साथ में जो सबवूफर बॉक्स था दोनों के ऊपर बहुत ही मस्त लाइटिंग का भी यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका था। और उसी के साथ में जो हमारी साउंड बार का सबवूफर बॉक्स था उस सबवूफर बॉक्स पे हमने कुछ इस टाइप से कनेक्शन किया कि जो आपकी जो लाइट है वो आपकी ऑडियो के आउटपुट के साथ में सिंक हो चुकी थी एंड वो प्रॉपर जैसे जैसे आपकी बीट बजे उसी टाइप से आपकी पूरी परफॉर्म कर रही थी और देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिलहाल के लिए यही था एंड इस टाइप से हमने तैयार की भाई साहब एक ऐसी साउंड बार जो कि 3000 के अंदर भी आ गई और जैसा जरूरत था जिस टाइप का क्वालिटी चाहिए था लगभग वो सारा क्वालिटी भी उसके अंदर इजीली फिलअप हो चुका था। और मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ एक चीज और बोल देता हूँ, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये जरूर से बोलेंगे कि भाई साहब इतने में तो ये मिल जाता वो मिल जाता, तो एक चीज ध्यान से सुनो जो बाजार के अंदर आपको 2500 के अंदर 2900 के अंदर 3000 के अंदर केवल 50 वोल्ट का एक बेसिक सबवूफर मिल रहा है हमने उतने प्राइस के अंदर एक्टिव साउंड बार भी तैयार कर दी प्लस आपको 8 इंच का एक सबवूफर भी प्रोवाइड करवा दिया जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बोलना चाह रहा था। और मैंने सोचा यार लोग बोलेंगे ब्लेम करेंगे तो मैंने सोचा क्यों ना करके ही दिखा देते हैं कि भाई साहब 3000 के अंदर एक 8 इंच का सबवूफर भी यूज कर सकते हैं, पैसिव नहीं एक्टिव, और एक साउंड बार भी बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए यही था। जय हिंद जय भारत।